सिंगरौली की बड़ी खबर के साथ, जहां सिंगरौली जिले में कोल माइंस के ईस्ट बाउंड्री को पार करते हुए कार पानी में बह गई। कार चालक ने समय रहते कार से निकलकर अपनी जान बचा ली। पानी के तेज बहाव में वही कार दुदी चुआ कोल माइंस के मैनेजर की बताई जा रही है, जो कि बाउंड्री को पार करते हुए खड़िया बॉर्डर के नीचे बह गई। कार के पानी में बहने का वीडियो सामने आया है। गौरतलब है कि सिंगरौली जिले में लगातार जारी बारिश की वजह से सभी नदी नाले उफान पर हैं और जिले में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और ये वीडियो देखिए आप, किस तरीके से खिलौने की तरह एक बड़ी कार पानी में समा जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां बाल बाल कार सवार जो युवक है उसकी जान बच गई है। कोल माइंस की बाउंड्री पार करते समय ये कार पानी में बह गई। तो आसमान से बरस रही आफत की वजह से कई सारे हादसे हो रहे हैं और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो आपको दिखाई जा रही है। सिंगरौली का ये पूरा घटनाक्रम है, जहाँ पानी की तेज धार में बही कार और कोल माइंस के बाउंड्री को पार करती हुई ये कार जा रही थी और इसी दौरान जो पानी की धारें उतनी ज़्यादा तेज थी कि इसमें कार डिसबैलेंस हो गई और पानी में जा गिरी। हालांकि गनीमत यह है कि इसमें जो कार सवार थे उनकी जान बच गई। तो तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाएं कि एक ऑलरेडी कार यहाँ पर खड़ी है, बोलेरो खड़ी है जो कि फंसी हुई है और दूसरा वाहन भी पानी के आगोश में समा गया। बैतूल में हुई जोरदार बारिश के बाद ताप्ती नदी पर बना पारस डोह डैम पूरी तरह लबालब भर गया है, जिसके बाद वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए डैम के 3 गेट खोले गए। 1.5 मीटर तक गेट खोल दिए गए हैं और गेट खोले जाने के बाद डैम का नजारा खूबसूरत नजर आ रहा है। गौरतलब है कि मुल्ताई क्षेत्र में लगातार हुई बारिश के बाद ताप्ती नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिसे देखते हुए डैम के गेट खोल दिए गए। दूसरी तरफ निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया और इस सीजन में पहली बार पारस डोह डैम के गेट खोले गए। तो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नजारा देखने को मिला। हालांकि रोक लगाई गई है कि इस तरीके से कहीं भी आना जाना आप ना करें जहां पर तेज पानी की धार बह रही है, लेकिन इस नज़ारे को देखने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं जब गेट खोले जाते हैं और एक सुंदर विहंगम नज़ारा इस दौरान देखने को मिलता है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 के माध्यम से आप भी देखिए, जब डैम के 3 गेट खोल दिए गए, डैम पूरा भरा हुआ है और वाटर लेवल जो है उसे मेंटेन करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है बारिश के दिनों में, ताकि जल स्तर मेंटेन किया जा सके। तो एक बार फिर से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब आसमान से लगातार हो रही बारिश के चलते डैम पूरा फुल हो चुका है और अब वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए डैम के 3 गेट खोले गए हैं। श्योपुर में वर्धा गांव के पास सीप नदी उफान पर है और रपटे को लोग लापरवाही में पार कर रहे हैं। आज नदी के पानी में तेज बहाव में बाइक बहने लगी। मौके पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने किसी तरीके से बाइक और बाइक सवारों को बचा लिया। शासन प्रशासन का निर्देश है कि मौके पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएं, लेकिन सुरक्षा गार्ड भी नहीं है और लोग जान जोखिम में डालकर रपटे को पार करते हुए नजर आते हैं। कई बार हादसे का शिकार हो जाते हैं, कई बार आम लोगों की मदद से बच जाते हैं और यहां पर भी एक बाइक सवार जो कि बहने ही वाला था, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया, सुरक्षित बचा। क्षेत्रों से जिले भर में लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले भर के नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं। इस समय हम सीप नदी के किनारे हैं और ये बड़दा रोड है, आप देख सकते हैं जो बड़दा रोड को जोड़ने वाला जो पुल है पानी में डूबा हुआ है। लोग किस तरह से यहाँ पर लापरवाह बने हुए हैं, देखिए पानी में डूबे हुए रप्पे को पुल को पार कर रहे हैं। इस दौरान कोई भी बड़ी अप्रिय घटना हो सकती है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि प्रदेश सरकार का स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद यहाँ पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा गार्ड की तैनाती नहीं की गई है। इस वजह से लोग लापरवाह बने हुए हैं। लोगों को भी ये समझना चाहिए, क्योंकि जान को जोखिम में डालने वाली बात है कि डूबे हुए पुल को वो लोग पार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझाने के लिए यहाँ पर सुरक्षा गार्ड नहीं है। इस वजह से लोग लगातार लापरवाह बने हुए हैं। दीपक गंडोतिया, न्यूज 18 श्योपुर।
और अब ग्वालियर से खबर है, जहां पर ट्रैफिक सिपाही को कुचलने की कोशिश का मामला सामने आ रहा है। कार सवार ने ट्रैफिक सिपाही से मारपीट की, हाथापाई में सिपाही की वर्दी तक फाड़ दी गई। रोकने पर सिपाही को कुचलने का प्रयास किया गया, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है। पड़ाव थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर ट्रैफिक सिपाही को कुचलने की कोशिश का मामला। कार सवार ने ट्रैफिक सिपाही से मारपीट की, हाथापाई में सिपाही की वर्दी फाड़ दी गई। रोकने पर सिपाही को कुचलने का प्रयास भी किया गया, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ है। पड़ाव थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और संवाददाता सुशील जुड़ गए। सुशील, सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि जो सिपाही है उसे कुचलने की कोशिश की जा रही है, क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है आगे? अब देखिए, कल पड़ाव थाना क्षेत्र के बस स्टैंड तिराहे का पूरा घटनाक्रम है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर काली फिल्म सहित अन्य जो अपराध उल्लंघित होते हैं उनको लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान यहाँ तैनात रामदेव शर्मा नाम का जो यातायात सिपाही था, उसने और उसके जो अधिकारी थे उन्होंने यहाँ एक कार को रोका था। इस कार पर काली फिल्म चढ़ी हुई थी, साथ ही जो इसका कार सवार था चालक उसने सीट बेल्ट भी नहीं बांधा था। इसी बात को लेकर जब यातायात अधिकारियों ने और सिपाहियों ने उस पर चालानी कार्रवाई की शुरुआत की तो उसी दौरान जो कार सवार था वो उतरकर भड़क गया और उसके बाद उसने सिपाही के साथ हाथापाई की, जिसमें रामदेव शर्मा नाम का सिपाही है उसकी वर्दी भी फट गई थी। इसके बाद जब सिपाहियों ने और अधिकारियों ने उसे रोका तो वो कार में अंदर जाकर बैठ गया और कार को तेजी से सिपाहियों के ऊपर रोकने के बावजूद जो है चढ़ाने की कोशिश करता हुआ भाग निकला। पुलिस ने इस कार नंबर के आधार पर इस जो ड्राइवर है इसके खिलाफ, कार सवार के खिलाफ जो है हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया। साथ ही देर रात बताया जा रहा है उसे पुलिस ने राउंडअप भी कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा घटनाक्रम था। सुशील, ये बहुत चौंकाने वाला मामला है, क्या जो कार चालक है वो कोई दबंग है या फिर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे किसी चीज का कोई डर नहीं है, ना ही कानून का, ना ही सिपाही की जान का और ना ही इस बात का डर है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद उसका क्या होगा? देखिए, कहीं ना कहीं जो कार चालक था वो दबंगा ही दिखा रहा था और जब सिपाहियों ने और जो ट्रैफिक के वहाँ तैनात निरीक्षक थे उन्होंने उसको समझाइश दी, साथ ही कहा कि जो ट्रैफिक नियम है उनका उल्लंघन हो रहा है, इसमें काली फिल्म चढ़ी है कार में वो उतारनी पड़ेगी, इसके साथ ही सीट बेल्ट नहीं बांधा है उसके लिए भी उस पर चालानी कार्रवाई होगी। इतना कहने के बाद ही वो भड़क गया और उसके बाद उसने सिपाही से हाथापाई की, वर्दी फाड़ दी। इसके बाद जब उसे रोकने का प्रयास किया तो वो कार में बैठकर कार को ले जाने लगा। जब सिपाहियों ने सामने आकर कार रुकने का इशारा किया तो उसने ट्रैफिक के सिपाहियों पर, आप देख सकते हैं, कार चढ़ाने की कोशिश की और कार को जो है तेजी से चलाते हुए लेकर चला गया। बड़ा हादसा हो सकता था, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कार के नंबर के आधार पर इसको पहचान करके पुलिस ने FIR दर्ज कर इसे राउंडअप किया है और अब पुलिस इससे पूछताछ भी करेगी, साथ ही निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा घटनाक्रम था। सिपाही की क्या स्थिति है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि कार के बिल्कुल वो सामने है और बहुत धक्का मारते हुए कार निकल रही है, तो क्या सिपाही को भी कोई चोट आई है? सुशील, देखिए, मामूली जो धक्का मुक्की के दौरान मामूली उसको चोटें जरूर आई है, लेकिन चूंकि जब सिपाहियों ने देखा कि कार चालक जो उनको कुचलने का प्रयास कर रहा है और वो गाड़ी उन पर चढ़ा ही देगा तो फिर वो सामने से हट गए और इसी दौरान हल्की फुल्की चोटें जरूर लगी है। और ये भी तय है जिस तरह से कार CCTV फुटेज में दिखाई दे रही है उसमें अगर ये सिपाही सामने से नहीं हटते तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा हो सकता था और जो कार सवार था वो कार सवार इन दोनों के लिए जो है कहीं ना कहीं बड़े हादसा का सबब बन सकता था, जिस तरह से इसमें साफ तौर पर वीडियो में नजर आ रहा है। तो अब बिल्कुल और साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि बिल्कुल दबंगई दिखाता हुआ नजर आ रहा है जो कार सवार है, उसको किसी चीज का कोई खौफ नहीं। एक तो काली फिल्म जो कि पूर्णतः प्रतिबंधित है, ऊपर से सीट बेल्ट नहीं लगाना, इसके खिलाफ जब कार्रवाई की जा रही है तो उल्टा सिपाहियों के साथ बदतमीजी और मारपीट करना। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुशील।
और अब ये मामला संज्ञान में आया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो कार चालक है उसे जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा भी किया गया है, साथ ही एक्शन लिए जाने का मामला, क्योंकि सिपाही को कुचलने की कोशिश की गई और जब अगर सिपाही नहीं हटता खुद कार के सामने से तो हो सकता है कि उसकी जान भी चली जाती। झड़प के आसार देखिए टीवी स्क्रीन पर। और अब बात करेंगे मुरैना की, जहां टोंगा गांव का तालाब फूट गया, दर्जन गांवों में हालात बिगड़ गए। मौके पर कलेक्टर एसपी पहुंचे हैं, सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। चंबल नहर में पानी को भी डायवर्ट किया गया। बड़ी खबर है मुरैना से, जहां टोंगा गांव का तालाब फूट गया और इस वजह से किसानों की कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई है, दर्जन गांवों में हालात बिगड़ गए। मौके पर मौजूद है कलेक्टर एसपी, सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हुई, चंबल नदी में पानी को डायवर्ट किया गया। बड़ी खबर आपको देना है मुरैना से, जहां टोंगा गांव का तालाब फूट गया, दर्जन गांवों में हालात बिगड़ गए हैं। मौके पर कलेक्टर एसपी मौजूद है, वहीं सैकड़ों बीघा फसल भी बर्बाद हो गई। इस दौरान चंबल नदी, चंबल नहर में पानी को भी डायवर्ट किया जा रहा है। आसमान से आफत बनके बरस रही बारिश अब कई गांवों में और कई लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है, जिसका मुख्य कारण है कि बीते रोज से रुक रुक करके बारिश। आपको बता दें कि बीते रोज देखा गया था कि जिले के नाथ सपेरे गांव में कच्ची आबादी के 2 दर्जन से अधिक इसी बारिश के चलते ढह गए थे, जिसमें से जो ग्रामीण थे उनके खाने पीने की सामग्री से लेकर के पूरा मकान जमीन में मिल गया था और कई सामग्री ऐसी थी वो पानी में बह रही थी। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ, वो पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि क्या हालात हैं। ये हालात सबलगढ़ तहसील के टोंगा गांव में स्थित तालाब के हैं, जहां पर तालाब की दीवार ढह जाने से अब 1 दर्जन से अधिक गांव में आफत बन गई है। हालांकि कलेक्टर से लेकर के एसपी और एसडीएम लगातार देर रात से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वह यही डेरा डाले हुए हैं, लेकिन खास बात यह है कि अब जो दीवारें थी वो लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अब वो जो पानी का रफ्तार है वो भी बढ़ती जा रही है और जो अभी तक एक गांव इसकी जद में थे, लेकिन अब जो इन गांवों की आबादी वाले जो जमीन थी और जिनकी जो फसल खड़ी हुई थी उस पर भी आफत बरस रही है, क्योंकि जो पानी का निकासी के इंतजाम नहीं है। यही वजह है कि अब पुलिस और प्रशासन ने मिलकर के इस पानी निकासी के इंतजाम चंबल नहर में किए हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस तालाब का पानी कब तक बंद हो पाता है और ऊपर से बरस रही आफत अब लोगों के लिए कब तक मुसीबत बनी रहती है। अमित शर्मा, न्यूज 18 मुरैना। पूरी पूरी परेशानी है ग्राम पंचायत को, तो गान को बद के पूरा रानीपुरा पहाड़ी को पूरा पूरा बहाव है और देवपुर 5 गांव लगते हैं जी इसके नीचे। क्या परेशानी क्या क्या है? पूरी फसल खड़ गई इसके बहाव से, पानी के से। ये सबलगढ़ क्षेत्र में टोंगा ग्राम पंचायत में जो सिंचाई विभाग का तालाब था, लगभग 130 साल पुराना तालाब ही था। कल शाम में 6:30 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि इस तालाब से रिसाव हो रहा था इसकी पाल से एक जगह पे, तो हम लोगों ने रात में ही यहाँ पे हमारी राजस्व पुलिस और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने लग के 3 उसमें ऑल्टरनेट निकासी कराई, जिसमें एक जो तालाब का एग्जिस्टिंग वेस्ट वेयर था उसको तोड़ के पानी निकासी कराई और 2 जगह स्लूज गेट ओपन करके और नहर के माध्यम से पानी को हम लोगों ने डाइवर्ट किया। उसके बाद आज सुबह जो है वो पाल में जो होल हुआ था वो बढ़ते बढ़ते पाल पूरा ब्रेक हो गई, लेकिन चूंकि पानी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, अभी तालाब अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं, लगभग 80% 1.54 MCM के ही लेवल पे था, तो बहुत ज़्यादा घरों में पानी भरने जैसी दिक्कत या कोई जनहानि पशुहानि जैसी कोई परिस्थिति नहीं है। टीम हमारी चारों गांव जो डाउनस्ट्रीम के एरिया में प्रभावित है वहां पे अभी तैनात है और सारी नज़र वो लोग रख रहे हैं मौके। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की कमाई का 50% हिस्सा मुस्लिम परिवार के गरीब जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा पर खर्च होगा। इतना ही नहीं, जरूरतमंद परिवारों को दान भी दिया जाएगा। एमपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल की माने तो प्रदेश में करीब 15,000 वक्फ संपत्तियां हैं, जो अभी तक कमेटियां आय का 7% ही चंदा बोर्ड को देती थी। 93% राशि प्रबंध समितियों के पास ही रहती है। अब बोर्ड इसका उपयोग समाज के मेधावी बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के लिए करेगा और इसके लिए हर जिले में एक कमेटी बनेगी। कमेटी ही गरीब बच्चों का चयन कर प्रति छात्र अधिकतम 25,000 रुपए दान कर सकेगी और उसमें 20% राशि मुस्लिम बच्चों के कॉलेज पढ़ाई के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद के लिए दी जाएगी।
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अपनी आय की एक बड़ा हिस्सा जो है वो गरीब बच्चे हैं जो बेहतर शिक्षा प्रणाली में हिस्सा लेना चाहते हैं, बेहतर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए योजना लेकर आई है कि 50% पैसा जो है उनकी पढ़ाई पर खर्च किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनबर पटेल जी मौजूद हैं। सर, किस तरह का ये आदेश है और कितना फायदा बच्चों को यहाँ होगा? देखिए, बहुत ही स्पष्ट है कि जिन दानदाताओं ने अपनी संपत्तियों को दान किया है, उन्होंने दान ही इसलिए किया है कि ये संपत्ति से आने वाली जो आय है ये गरीब जरूरतमंद लोगों के काम आए, शिक्षा के काम आए। और कहीं ना कहीं हम उसके मूल उद्देश्य से भटक रहे थे। ये जो पैसा है, ये पैसा आने के बजाय चंद जो असामाजिक तत्व है, जो समाज विरोधी तत्व है या कहें गुंडा तत्व है, ये पैसा उनकी जेबों में जा रहा है। जब से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है, पुनः लगभग एक वर्ष हुआ है, लगातार हम इस प्रयास में हैं कि कैसे वैधानिक स्रोतों से हमारी आय बढ़े, हम आत्मनिर्भर हों और आत्मनिर्भरता के साथ साथ जो हमारी आय है उसका एक निर्धारित पैसा जो काबिल बेटे बेटियां हैं, जो योग्य बेटे बेटियां हैं, जो काबिल होने के बावजूद भी उनको आर्थिक अभाव में अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देना पड़ता है या कहें कि ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो ऐसे ड्रॉप आउट कैसे कम हो, मेघावी बेटे बेटियां कैसे पढ़े, वो राष्ट्र निर्माण में कैसे भागीदारी बने, इसके लिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने तय किया है कि हम एक योजना बनाई है और उसका नाम दिया है कि पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनेंगे। तो उसी के तहत हम लोग इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये काम जो है वो वाकिफ की मंशा के हिसाब से हम पूरा कर पाएंगे। तो देखिए डॉक्टर सनबर पटेल जी, इनको साफ तौर पर कहना है कि जो दानदाताओं ने जो पैसा वक्फ बोर्ड को दिया है, जो जमीनें वक्फ बोर्ड को दी है, उससे जो संपत्ति आ रही है, जो आय होती है, उसका सही उपयोग हो, ये बहुत जरूरी है। कैमरा मनीष सेंगर के साथ सैलेंस न्यूज टीम भोपाल। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल से, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एमपी वक्फ बोर्ड ने एक नई बात कही है कि आय का 50% उन बच्चों पर खर्च किया जाएगा जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, तो किस तरीके से पूरा प्लान होगा? देखिए बिल्कुल, वक्फ बोर्ड को जो भी लोग संपत्तियां दान करते हैं उनके पीछे उद्देश्य यही होता है कि मुस्लिम समाज का विकास हो, उनका कल्याण हो। लेकिन कल्याण कैसे होगा, इस दिशा में सबसे बड़ा कदम मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने उठाया कि अगर जो गरीब तबके के बच्चे हैं यदि वो शिक्षित होंगे तो कहीं ना कहीं समाज आगे विकास कर पाएगा। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक जो प्रावधान बनाया है उसके तहत जो कुल संपत्तियों से जो आय होगी उसका 50% जो खर्चा है वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च किया जाएगा। देखिए, हर जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी ये तय करेगी कि जरूरतमंद बच्चे हैं, उन बच्चों की पढ़ाई का पैसा जो खर्चा है वो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड उठाएगा। हालांकि इसकी अधिकतम सीमा है वो भी 25,000 रखी है। देखिए, किसी भी परिवार के हाथ में ये पैसा नहीं दिया जाएगा, बल्कि जिस स्कूल जिस कॉलेज में वो बच्चा पढ़ेगा उसकी फीस हो, किताबें हो, ड्रेसेस हो, ये खर्चा जो है वो वक्फ बोर्ड उठाएगा। देखिए बिल्कुल, एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि इसके पहले जो वक्फ बोर्ड का पैसा आता था वह बंदरबांट कर लिया जाता था, लेकिन जो दानदाताओं की मनसा थी, जिस हिसाब से उन लोगों ने जो संपत्तियां दान की थी उसका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा था। तो ऐसे में जब मेधावी बच्चे हैं जो आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों की आर्थिक मदद करने का काम जो है वक्फ बोर्ड करेगा। अब ये देखना वो कितनी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे निकलकर सामने आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और कब से इसकी शुरुआत होती है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। और अब चलिए देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।